गर्मी बढ़ने के साथ ही अब खान पान में भी बदलाव आने लगा है। वहीं मंदिरों में ठाकुर जी के खान पान में बड़ा बदलाव आया है। गर्मी में ठाकुर जी के लिए कई तरह की विशेष सुविधाएं आयोजित की जा रही है। ठाकुर जी के लिए कूलर, एसी तथा फवारे चलाए जा रहे हैं, जिससे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। वहीं ठाकुर जी के लिए कैरी का पानी भी पिलाया जा रहा है, जिससे पेट में और शरीर में ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा चंदन का लेप, मोगरे का इत्र आदि भी लगाया जा रहा है। ठाकुर जी के लिए कई तरह की खान पान में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा यह मंदिर करीब 189 वर्ष पुराना है। यह राजा रतन सिंह ने अपनी पत्नी के लिए मंदिर बनाया था। इस मंदिर को रानियों की हवेली भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की दो सखियां विराजमान हैं। साथ ही इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहले सिर्फ रानियां ही आती थी। इस मंदिर में आज बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इन लोगों का कहना है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर को बने हुए 189 वर्ष हो चुके हैं। राजा रतन सिंह जी ने अपनी मिसेज रतन कंवर के लिए बनाया था, क्योंकि रतन कंवर यहाँ से बीकानेर से गिरिराज जी परिक्रमा में दर्शन करने जाती थी। गिरिराज जी के राजा रतन सिंह ने कहा कि इतने परिश्रम कराते हैं ठाकुर जी को, तो क्या है कि यही क्यों ना मंदिर बना दूं मैं। तो उन्होंने अपने पोते के जन्म दिवस पर यहाँ पे मंदिर बना दिया, रतन कंवर को सुपुर्द कर दिया। ये रानियों का मंदिर है। पास में जो मंदिर बना है वो दासियों का मंदिर है, जहाँ पे दासी जो अपने जो काम करती है क्वास का, रानी का, उसका नाम होता है दासी, इसलिए वहाँ पे दासी का मंदिर बना दिया। और ये सारा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, एक ही पत्थर से सारी चढ़ाई हुई चुकी है। और ठाकुर जी अंदर जो विराज रहे हैं, इसमें सारा काला संगमरमर का बना हुआ है तीनों ही, जिसमें एक में ललिता जी है और एक साइड में विशाखा जी है, और साथ में ठाकुर जी। ललिता जी और विशाखा जी उन 8 सखियों में से थी राधा जी की, जो इनके साथ में रहती थी 24 घंटे, इसलिए इनका नाम ललिता जी और विशाखा जी रखा गया है। इनका उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। ललिता जी और विशाखा जी का राधाष्टमी भी मनाई जाती है बहुत धूमधाम से, और साथ में हमारे यहाँ कुसुम छठ होती है, वो भी मनाई जाती है, जो यमुना छठ बोलते हैं हम उनको, वो भी मनाई जाती है। और यहाँ पर जैसे जैसे कुश्ती मार के मंदिर है, बीकानेर में 9 हवेली है, उसमें सबसे बड़ी हवेली बीकानेर में राजा रतन सिंह जी ने यहाँ बनवाई थी, रतन बिहारी जी के नाम से। और यहाँ पर रतन बिहारी जी पार्क भी है, जो कईम रोड पर स्थित है। और यहाँ जो भी सारी व्यवस्था जो है वो महाराजश्री, हमारे बल्भाचार्य जी महाराजश्री, पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी बल्भाचार्य जी महाराजश्री देख रेख करते हैं, उनके ही सानिध्य में हम यहाँ काम करते हैं। और ट्रस्ट द्वारा ये सारा गोकर्ण चंद्र महाराज जी की हवेली ट्रस्ट कामन कामा द्वारा ये चलता है मंदिर।